की मांग मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है समर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। और सरकार भी बनी है, एक वर्ष हुआ है, थोड़ा सबर हमारे शिक्षकों को रखना होगा। बारी हमारी आएगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगर बारी ना आए तो चिंता मत करो, आपका ढाल भी मैं बनूंगा और आपका तलवार भी मैं बनूंगा। चुमीला गांव में आकर मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं पूरे समाज को कि आपकी पैरवी करना, आपकी लड़ाई लड़ना ये सिंधिया परिवार के रग रग में सदियों से रहा है और आपको आगे बढ़ाना ये मेरा दायित्व है। इन्हीं शब्दों के साथ संत रविदास जी के चरणों में नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।